उर्मिला का धमाल नासिक के फेस्टिवल में। वैसे उर्मिला भी कभी बॉलीवुड की रानी बनना चाहती थी, ठीक उसी तरह से जैसे आज प्रियंका रानी है। प्रियंका के टक्कर की हीरोइन आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि प्रियंका को ऐसे किरदार करने को मिल रहे हैं जिसमें उन्हें एक्टिंग का जौहर दिखाने को मिल रहा है। Well, if there's a little bit of act and actress, then Priyanka Chopra. बेबो को क्या मालूम था कि उनकी यही बात बॉलीवुड के हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए दिल की बात होगी। तभी तो आज की डेट में अगर किसी को चैलेंजिंग काम मिल रहा है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। वत्स्य राशि की 12 प्रियंका हो या 7 खून मास में 7 गेटअप, इतनी वैरायटी और चैलेंजिंग रोल प्रियंका की ही झोली में है। ऐसा किरदार पाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां तो बॉलीवुड में चंद ही हैं। आज के दौर में किसी अभिनेत्री की ऐसी किस्मत नहीं जगी। विद्या भले ही टक्कर के रोल पा रही हो, लेकिन फिर भी ग्लैम पोशन वो नहीं जो प्रियंका चोपड़ा के पास है। I think she is the finest actor in her contemporaries और इतना ज्यादा मेहनत और इतना ज्यादा इंटेलिजेंस, इतना ज्यादा हार्डवर्क। तभी तो एक और 7 खून माफ जैसी फिल्म तो दूसरी ओर डॉन और धूम 3 जैसे ग्लैमरस रोल्स वही कैटरीना के पास जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्में जिसमें वही बारबी डॉल लुक और जीरो एक्टिंग। सीता और गीता बनने का सपना था फिल्म सीता और गीता के रीमेक में। You know, there's a lot of talks that are and discussions that are happening right now on various levels and various films. I kind of believe once something's locked, signed and on the floor, that's the time to talk about it. लेकिन वो भी टूट गया। As I said, there's a lot of things in discussion, but nothing's confirmed. और बेबो, आज करीना की झोली में भले ही शाहरुख के साथ रावण, सलमान के साथ बॉडीगार्ड और सैफ के साथ एजेंट विनोद और आमिर के साथ भी फिल्में हों, लेकिन इन बड़े हीरोज वाली फिल्म में बेबो को क्या मिल पाएगा एक्टिंग का मौका, कहना मुश्किल है। इन सभी अभिनेत्रियों के करियर को देखते हुए लगता है कि प्रियंका ही हैं जो अपनी ग्लैमरस इमेज और एक्टिंग से सबको पीछे छोड़ती जा रही हैं। मुंबई से एकता सूरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।